सो दोस्तों, ये था मेरे घर के पास का गेट, मेरे मोहल्ले का। जी हाँ, ये है कानपुर के जाजमऊ का फर्स्ट गेट, जहाँ से मैं आज का पूरी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आज की रोशनी के जितने भी गेट हैं वो मैं सब आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों, आज की शुरुआत होती है अपने घर से, जाजमऊ से। ये फर्स्ट गेट था, अभी बहुत सारे गेट हैं आपको दिखाने हैं। तो जो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना भाई लोग। ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ अक्सर, खूब सारी घूमने फिरने वाली। आपका भाई इस बार राइडर आपको हर जगह घुमाता रहता है, ताकि आपको फुल बैठे बैठे घर पे एंजॉय मिलता रहे। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ समीर खान और आप देख रहे हैं SMR राइडर। अभी मैंने ऐसा टाइम चुना था ताकि आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, भीड़ भाड़ ना लगे। मैं निकल रहा हूँ ठीक सुबह का 5 बजे, देखिए 5:01 हो रहा है और मैं ठीक 5 बजे निकल रहा हूँ। रात में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं खुद ना जा पाता कहीं भी। तो आपको मैं ब्लॉग के ज़रिए, अपनी वीडियो के ज़रिए कहाँ से गेट दिखा सकता था, कदम रखने की जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अब 5 बज गया, थोड़ा बहुत जो है ट्रैफिक कम हो चुका है, तो जहाँ जहाँ पे गेट है वहीं पे थोड़ी बहुत भीड़ रहेगी, बाकी प्रॉपर से पूरा रोड क्लियर हो गया, अब जाके गाड़ी चल पा रही है। तो बहरहाल अब हम निकलते हैं अगले गेट की तरफ, जो कि है ये, अभी मैंने दिखाया था आपको नई चुंगी वाला जाजमऊ का, अब दिखाने जा रहा हूँ पुरानी चुंगी का, वो भी जाजमऊ का ही है, सेकेंड गेट। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे जहाँ जहाँ और अच्छे अच्छे बने हैं। छोटे वाले मैं नहीं कवर करूँगा, जैसे इस टाइप के ये छोटे छोटे बने हुए हैं, पिछली दफ़े काफ़ी सारे कर दिया था मैंने, तो वो मज़ा नहीं मिला था। मेन गेट को एक्सप्लोर करेंगे, जो मेन है देखने वाले, बाकी गलियों में मोहल्लों में बहुत सारे बने रहते हैं, तो उनको इस बार स्किप करूँगा, और स्किप भी नहीं करूँगा। वापसी में मैं आपको कोशिश करूँगा जो जो छूट गए हैं वो मैं आपको दिखा दूँगा। पहले जो है प्रॉपर मेन उनको कवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं छोटे वाले। एक चीज़ का और फ़ायदा हो गया, जितने भी साउंड थे इस समय बंद हो चुके हैं, ताकि आपको क्लियर आवाज़ आएगी मेरी और अच्छे से आप वीडियो को एंजॉय कर सकेंगे। अभी मैं आपको सही से प्रॉपर व्यू दिखा रहा हूँ, अपने आईफोन से शूट करूँगा, गोप्रो में रात में ज़्यादा मज़ा नहीं आती होगी, अभी आईफोन से इसको शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये था जाजमऊ के पुरानी चुंगी वाला गेट, इसको भी मैंने कवर कर लिया। अब निकलते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि कौन कौन से अपने कानपुर शहर में कैसे कैसे गेट बने हैं। आई नो थोड़ी देर में जो है उजाला हो जाएगा, बट कोई ना, आपको क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर उजाला हो जाए तो भी ज़्यादा बेहतर है, कि ताकि आपको सही से देखने को मिले गेट सारे। पिछली दफ़े मैं फंस गया था यार, भीड़ में मैं निकल गया था 3 बजे रात में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी वीडियो को शूट करने में, इतनी भीड़ में मुझे बाइक लेके घुसना रहता है, बाइक हर 2 मिनट में मुझे चलना उतरना रहता है, इसलिए कहीं दूर भी नहीं खड़ी कर सकते, तो ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो बहरहाल आज मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत होगी, 5 बज गया है तो भीड़ मुझे, क्राउड कम मिलेगा, आई होप कि क्राउड कम मिले यार, तो ईजिली अच्छे से वीडियो को शूट करेंगे। तो अब बारी आती है घंटाघर वाले की, तो देखते हैं घंटाघर पे कैसा बना है। मैं पहुंच चुका हूं घंटाघर चौराहे पे, अपने रेलवे स्टेशन के पास। ओ भाई साहब, इस बार ग्रीन बना है। चलो यहाँ के भी आपको दीदार कराते हैं।
किधर चला जाए, किधर किधर किधर, बोलो दिमाग लगाओ। चलो चलते हैं बाबूपुरवा साइड, सुजातगंज बाबूपुरवा वो साइड चलते हैं। अब देखते हैं उधर का, उधर का तो ज़्यादातर बहुत ही बढ़िया वाला बनता है, तो आई होप इस बार भी तगड़ा ही बना होगा। अगर मैं सभी गेट कवर करने निकल जाऊं तो भाई साहब वीडियो तो ख़त्म ही नहीं होगी, सैकड़ों के हिसाब से गेट बने हुए, सैकड़ों के हिसाब से। बहरहाल मैं मेन ही कवर करूंगा, लास्ट में जो टाइम बचेगा वो मैं मीडियम वाले भी दिखा दूंगा। ये था चौथा गेट अभी तक का। अब जा रहे अंदर, बहुत ही गजब वाले गेट देखने भाई साहब, यहीं तो मजा आएगी। ये अपने बाबूपुर वाले जबरदस्त बनते हैं भाई, जबरदस्त शानदार। इस बार भी अलग ही नजर आ रहा है गेट। ओह भाई साहब, ये था अपना बाबूपुर वाला जो रोड पे बनता है। अब हम लोग चलेंगे जो अंदर पार्क के अंदर बनता है, वहाँ पे देखेंगे चल के। तो वो इस बार बना है नहीं बना है पता नहीं, बना ही होगा यार, हर साल बनता है तो इस साल भी बना ही होगा। तो चलो फिर अब इसकी बारी। इसके लिए लग रहा है यार, बस यही वाला गेट मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ देता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है यार, अंदर जगह नहीं रहती है क्योंकि वो बहुत अंदर बनता है। अब मुझे बाइक पार्क करनी पड़ेगी, हेलमेट हाथ में पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद अंदर जा पाएंगे। बाकी तो सारे ऑन द वे होते चले जा रहे हैं रोड वाले। बताओ दोस्तों, अभी 5:15 5:30 बज चुका है, उसके बाद भी इतना क्राउड है यहाँ पे। अगर रात में आया होता तो क्या हाल होता। अभी तक तो मतलब कि पिछली दफ़े मैं 4:30 बजे आया था तो क्राउड कम हो चुका था, अभी भी बहुत क्राउड है, बाइक नहीं जा पाएगी। ये आ गया मोड़ जहाँ से मुझे जाना है।
ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, नौजवान बिल्कुल पीछे आपसे बता रहे हैं। भाई साहब शानदार जबरदस्त, अरे भाई क्या ही गेटता यार, कितना खूबसूरत था माशाल्लाह यार, मजा आ गई मजा। अभी तक का जितने भी गेट देखे आप लोगों को भी इसी गेट में मजा आई होगी यार, शानदार बनाते हैं यार शानदार। ये लोगों का क्या ही कहना यार, कितनी मेहनत से कितने दिल से और कितनी लगन से ये गेट बनाए जाते हैं यार, और साथ में आप लोगों का प्यार मिल जाए ये सब देखने में तो इनका और दिल में सुकून मिल जाता है। भाई लोग यार ऑसम यार, मज़ा आ गई, अभी तक का सबसे ज़बरदस्त गेट लगा यार। बाबूपुर वाले गेट की तो यार बात ही अलग होती है, हर साल की तरह इस बार भी कुछ नया बना के लाए ये लोग, कुछ नया दिखाने की कोशिश करी ना, और सही बताया यार बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा। कलर में पिछली बार भी वाइट ही था और इस बार भी है वाइट, बट यार एकदम अलग यूनिक सा लग रहा था, जैसे बहुत बड़ी सी हवेली टाइप की, बहुत प्यारा लग रहा था। पिछली दफ़े का मुझे प्रॉपर याद नहीं है किस टाइप का बना था, बट हाँ वाइट कलर जरूर शायद याद है, वाइट कलर बाहर भी था, जो बाहर वाला आपको दिखाया था उससे पहले, और अंदर भी दोनों वाइट कलर में वाइट ही हैं दोनों। बहरहाल दोनों शानदार थे, अच्छे थे। अगर दोनों में अगर आप कहेंगे, पूछेंगे, कंपेयर करवाएंगे कि कौन सा बेस्ट है ज़्यादा, तो मैं कहूँगा अंदर वाला, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा अच्छा था। अभी अपना बचा है रजवी रोड वाला, वहाँ भी सुन ले बहुत अच्छा बना है, तो चलो अब इस बार चलते हैं रजवी रोड की तरफ, नई सड़क पर अपना, तो वहाँ पर देखेंगे कि किस टाइप का बना है, पिछली दफ़े से बेहतर बना है या उससे नहीं बेहतर है, वो चलने के बाद देखने के बाद पता चलने वाला है। तो चलो अब चलते हैं, इस बार रजवी रोड की बारी है। उजाला लगभग हो ही गया है, सारी भीड़ खत्म हो चुकी है, और इसी के साथ साथ हम लोग पहुंच चुके हैं रजवी रोड। आ गए हैं भाई साहब रजवी रोड पे, चलो यहाँ के भी आप लोग दीदार कर लो जल्दी से। एक मुझे मेरा दोस्त भी दिख गया है, चलो भाई से मुलाकात करते हैं। बना रहे थे यार, बिल्कुल 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 पड़ेगी यार अपने सरफराज भाई की। और बता, पूरा उधर गए थे बाबूपुरवा और तुम्हारा जाजमऊ, ये सब कवर करते हुए आ रहे थे। हाँ थोड़ा सा हम मॉर्निंग में इसलिए निकले क्योंकि ये जो वही चीज़ होता है ना, भीड़ में कहाँ घुस पाते, रात में आते तो यहाँ पे कदम रखने की जगह भी ना मिलती, वही चीज़ है। हाँ फिर घर जाएंगे, बस देख रहे थे अब जा रहे हैं, अभी कुछ बचे हैं उधर के मोती नगर के KDA के डिफेंस वाले, वो भी दिखा देंगे। बाकी जो मेन थे बाबूपुरवा वाला, पुरानी चुंगी नई चुंगी वो सब तो दिखा दिया, लेकिन वही बाबूपुरवे वाले यार दोनों तगड़े बने हुए हैं। हाँ दिन में गाड़ी अभी ट्रिप पे लगी है, 36,000 आउटपुट
चीज वहाँ भगाई थी, क्या कहते हैं, पूर्वांचल पे, सिक्किम ट्रिप पे, जब सिक्किम ट्रिप पे जा रहे थे तो पूर्वांचल पे भगाई थी, 121 पहुँचाई थी हमने। सरफराज जा रहे फिर, ठीक है तो ये रजवी रोड वाला भी कवर हो चुका है। अब चलते हैं अपने वापस जाजमऊ की तरफ, और वहाँ पे कुछ गेट बचे थे जो कि अंदर साइड के थे, जाजमऊ के, केडीए के और डिफेंस के, मोती नगर के, तो उधर भी अच्छे अच्छे बने हैं, तो वो भी कवर करते हुए चलेंगे। बट अब लाइटिंग वाला सिस्टम आपको नहीं दिखेगा, उजाला हो चुका है तो लाइट सब ऑफ हो गई होंगी, बट जो गेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो गेट और अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा क्योंकि अब रोशनी हो गई है। तो चलो चलते हैं अब जाजमऊ वाले में। मैं थोड़ा इधर इसलिए आ गया था, यहाँ पे पियेंगे चाय पी के निकलेंगे वापिस। हो गई अपनी चाय और अब निकलते हैं आगे की तरफ, फाइनल रिजल्ट की तरफ। फाइनल रिजल्ट तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा इस बार सबसे बढ़िया लगा। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा अच्छा लगा, तो वही वाला अपना बाबूपुरवे वाला, ये वाला। बट बाकी आपकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते चलिए। इस बार सबसे ज़्यादा अगर किसी इलाके में सजावटें हुई हैं तो वो जाजमऊ में हुई है। जाजमऊ में बहुत सारे गेट बने हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं, कम से कम 10 से 12 गेट बने हुए हैं, जिसमें से 4-5 तो बहुत बड़े बड़े हैं। अभी देखो ये वाले पे आ गए, अब ये भी दिखाते हैं आपको। हो गया मोती नगर वाला, अब इसके आगे चलते हैं गल्ला गोदाम वाला। लाइटिंग वाला मज़ा ख़त्म हो गया, बट आपको 2-in-1 वीडियो मिल गई एक ही वीडियो में, नाइट की भी मिल गई और डे की भी मिल गई। लाइटें हर तरफ की ऑफ हो गई हैं इस टाइम पे। गेट गेट आप लोग देख लो, लाइटिंग तो हर जगह होती है, मेन गेट आप देख लो कौन कौन से डिज़ाइन के बने। ये आ गया सामने एक और, देख रहे हो आप भाई साहब, बहुत बने हैं यार जाजमऊ में, हम कितने दिखा दें। ये बढ़िया लाइटिंग सिस्टम हुई थी यहाँ पे। चलो भाई साहब ये भी हो गया, अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ रहा है, कहीं रुक के वीडियो को एंड करते हैं। एक बार आपके सामने सामने रूबरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी घर पहुंचने वाला हूं। एक देखो ये बना हुआ है, ये सब तो गली मोहल्ले वाले हैं। सो दोस्तों, इस बार भी मैंने 12 रबी अव्वल की रोशनी की रात के अपने कानपुर शहर के जितने भी गेट बनते हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, सारे कवर कर दिए हैं, जो मेन थे गली मोहल्ले के, आप लोग खुद जाके देखते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ,
राइट सेफ टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।